मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लास 7 का मैथ और एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन से शुरू करते हैं, इसके पहले वाले वीडियो देख लीजिएगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन में दिए गए घंटी को बजाइए। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखना। आरोही क्रम इस होता है बढ़ते क्रम, अवरोही क्रम इस होता है घटते क्रम। देखिए आरोही आरोही क्रम, आरोही क्रम इसका होता है बढ़ते क्रम, ठीक है। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम इस होता है घटते क्रम। बढ़ते क्रम एक दो तीन बढ़ रहे हैं, इसमें तीन दो एक घट रहा है, ये हुआ आरोही क्रम और अवरोही क्रम, ठीक है। अब यहां देखिए निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। तो इसको क्या करेंगे, नीचे वाला को एलसीएम निकालेंगे, लघुतम निकालेंगे। लघुतम क्यों निकाला जाता है, क्योंकि हर को बराबर लाया जाता है। सभी में हर का बराबर लाएंगे तभी हम निकाल पाएंगे। देखिए पांच चार नौ बारह और ग्यारह का लसा कितना आएगा, लसा निकालिए। इधर निकालते हैं चार पांच नौ बारह ग्यारह, ठीक है, चार पांच नौ बारह ग्यारह, इसको एलसीएम निकालिए। कितना जाएगा, दो से जाएगा, पांच नहीं जाएगा, दो दूनी चार नौ नहीं जाएगा, छह दूनी बारह ग्यारह भी नहीं जाएगा। अब देखिए दो से जाएगा, पांच का पांच दो एकम दो नौ नहीं जाएगा, तीन दूनी छह और ग्यारह उतार देंगे। अब देखिए नौ यहाँ तीन है, तीन से जाएगा, पांच एक तीन तीन नौ अब नहीं जाएगा, अब नहीं जाएगा। तो अब क्या करेंगे, गुना करेंगे। गुना कीजिए, देखेंगे दो को गुना दो से करेंगे तो दो दुनी चार, चार तिया बारह, बारह पचे साठ, साठ तिया एक सौ अस्सी, साठ तिया एक सौ अस्सी और फिर ग्यारह से गुना करेंगे। तो ग्यारह से गुना कीजिए, देखिए गुना कर रहे हैं, उन्नीस सौ अस्सी आएगा। कितना आएगा, उन्नीस सौ अस्सी, ठीक है। आप देखेंगे उन्नीस सौ अस्सी जो आया, आप क्या करते हैं इसको उतारते हैं। पहला दो बटा पांच, दो बटा पांच, अब यहां ऐसे लिखेंगे जैसे पहले भी बनाए हैं 1980, तो 1980 जो है अब देखेंगे पांच से भागा देंगे, इसमें जो भागफल आएगा तो उसी से हम गुना करेंगे तो 1980 आ जाएगा। देखिए पांच से भागा दीजिए, पांच तिया पंद्रह, चार पचे अट्ठी चालीस, पांच नवा पैंतालीस, तीन जीरो पांच छह पच्चीस, तीन सौ नब्बे। पांच को गुना करेंगे 390 के साथ तो 1980 आएगा। तो ऊपर भी हम 390 से गुना करेंगे तो 390 गुना दो, दो तो दो से गुना करेंगे कितना आएगा, दो जीरो जीरो, दो नौ अठारह का आठ एक, दो तीन छः और एक सात, सात सौ अस्सी आया, ये पहला का आया। इसी तरह से इसका भी निकालेंगे तीन बटा चार, तीन बटा चार, अब देखेंगे 1980 लाना है, चार से कितना से गुना करेंगे 1980 आएगा। तो चार से इसमें डिवाइड करेंगे, चार से डिवाइड कीजिए, 1980 को चार से डिवाइड करिए, चार चौका सोलह, तीन आठ चार अट्ठी बत्तीस, चार नवा छत्तीस, दो जीरो चार पच्चीस बीस, चार सौ पंचानवे, मतलब चार सौ पंचानवे को हम चार से गुना करेंगे तो 1980 आएगा। तो चार सौ पंचानवे गुना किए हैं चार से तो 1980 आया। ऊपर भी हम चार सौ पंचानवे से गुना करेंगे तीन को तो कितना आएगा, तीन पच्चे पंद्रह के पाँच हाथ में एक, तीन नवा तीन सत्ताईस और एक अट्ठाईस के आठ हाथ में दो, और तीन चौका बारह और दो चौदह। थोड़ा सा गुना करने में इधर उधर हो जाएगा तो आंसर नहीं मैच होगा, इसे ध्यान से देखिए। अब तीसरा क्या है, ये पहला, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, चलिए इसको दूसरा जगह पर इसको क्या लिखते हैं पुनः, फिर लिखते हैं पुनः। देखिए क्या है, सात बटा नौ, सात बटा नौ, 1980 लाना है, नंबर नौ से कितना को गुना करेंगे कि 1980 आएगा। तो आसान उपाय है, नौ से भागा दे देंगे, तो नौ से भागा दीजिए 1980 में, नौ दुनी अठारह एक आठ, नौ दुनी अठारह कट गया जीरो, 220 कितना आया, 220, ठीक है। और ऊपर भी 220 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, दो सात जीरो जीरो, सात दुनी चौदह का चार हाथ में एक, सात तो दुनी चौदह एक पंद्रह, 1540 आया, इसका हो गया। अब इसका देखिए पुनः क्या है, पांच बटा बारह, पांच बटा बारह है, अब देखेंगे यहाँ पे कि 1980 लाना है तो 12 को कितना से गुना करेंगे, तो आसान उपाय क्या है, 12 से इसमें डिवाइड कर देंगे, 12 से डिवाइड कीजिए 1980 में, 12 एकम 12 घटाएंगे तो सात आठ, बढ़ छक बहत्तर, बढ़ छक बहत्तर,
अड़सठ बहत्तर छः आएगा, जीरो उतारेंगे, बारह पच्चे साठ, एक सौ पैंसठ। एक सौ पैंसठ को हम गुना करेंगे बारह के साथ तो आएगा उन्नीस सौ अस्सी, तो ऊपर भी गुना करेंगे एक सौ पैंसठ के साथ, एक सौ पैंसठ के साथ। तो गुना कीजिए, पाँच पच्चे पच्चीस के पाँच हाथ में दो, पाँच छक्का तीस और दो, बत्तीस को दो हाथ में तीन, पाँच में पाँच तीन आठ, आठ सौ पच्चीस आए। ठीक है, अब देखिए इसको देखते हैं, आठ पुनः लिखिए आठ बटा ग्यारह, तो आठ बटा ग्यारह उन्नीस सौ अस्सी, तो ग्यारह से हम कितना से गुना करेंगे तो उन्नीस सौ अस्सी आएगा। तो देखिए ग्यारह हटा देंगे तो इतना सुना गया, तीन पच्चे पंद्रह, पंद्रह या पैंतालीस, पैंतालीस नब्बे, नब्बे नब्बे एक सौ अस्सी, इतना आएगा एक सौ अस्सी। फिर गुना करते हैं, देखिए एक सौ अस्सी किए तो उन्नीस सौ अस्सी आया ना, तो एक सौ अस्सी से गुना करेंगे तो आठ को भी एक सौ अस्सी के साथ गुना करेंगे तो आठ जीरो जीरो, आठ अठी चौंसठ के चार हाथ में छः, आठ एम आठ और छः, आठ छः चौदह। ठीक है, आठ जीरो आठ छः, आठ अठी चौंसठ चार छः, आठ एकम आठ छः चौदह, ये हुआ, ये इसका मान निकला। अब क्या करेंगे इसको कि इसको हम सजाएंगे आरोही क्रम, पहले इसको आरोही क्रम सजा लेते हैं उसके बाद बनेगा, इसको मिटाते हैं क्योंकि जगह का दरकार है। देखिए आरोही क्रम में बढ़ते क्रम, यहां लिखते हैं आरोही क्रम में, आरोही क्रम में। तो देखिए पहला, देखिए आरोही क्रम इसका होता है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, छोटा लिखेंगे और सब उसके बाद उससे बड़ा, सबसे छोटा क्या है उन्नीस सौ अस्सी, उन्नीस सौ अस्सी, उन्नीस सौ अस्सी, उन्नीस सौ अस्सी, सब में हर कर दिए समान। अब अंश देखना है सात सौ बानवे, देखिए सबसे छोटा क्या है सात सौ बानवे है, तो सात सौ बानवे बटा उन्नीस सौ अस्सी। अब देखिए इससे बड़ा कौन है, ये देखिए आठ सौ पच्चीस है, आठ सौ पच्चीस बटा उन्नीस सौ अस्सी। उसके बाद चौदह सौ पचासी, चौदह सौ पचासी बटा उन्नीस सौ अस्सी। उसके बाद पंद्रह सौ चालीस, नहीं चौदह सौ चालीस है ना, तो ये हो जाए चौदह सौ चालीस, चौदह सौ चालीस बटा उन्नीस सौ अस्सी। उसके बाद पंद्रह सौ, नहीं चौदह सौ पचासी, चौदह सौ पचासी बटा उन्नीस सौ अस्सी। उसके बाद एक बच गया, कौन बचा, पंद्रह सौ चालीस, पंद्रह सौ चालीस बटा एक सौ उन्नीस सौ अस्सी। इसको हम आरोही क्रम में सजा दिए, आरोही क्रम में सज गया। अब इसी का मान निकाले, ये किसका मान निकला, सात सौ पंचानवे किसका मान है, सात सौ बानवे किसका मान है, देखिए ये दो बटा तीन, दो बटा तीन, दो बटा पाँच, इसका मान क्या हो जाएगा दो बटा पाँच। अब इसको देखिए आठ सौ पच्चीस, आठ सौ पच्चीस कहाँ है, देखिए ये है, तो इसको लिखेंगे, इसको पाँच बटा बारह, पाँच बटा बारह। इसके बाद चौदह सौ चालीस, चौदह सौ चालीस, चौदह सौ चालीस ये है, तो आठ बटा ग्यारह, आठ बटा ग्यारह। इसके बाद चौदह सौ पचासी, चौदह सौ पचासी कहाँ है, ये है, तो तीन बटा चार, तीन बटा चार। इसके बाद पंद्रह सौ चालीस, पंद्रह सौ चालीस कहाँ है, ये है, तो सात बटा नौ, तो सात बटा नौ, ये हुआ। अब आंसर चेक करते हैं, आंसर है या नहीं, अब मिलान कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। देखिए दो बटा पाँच, पाँच बटा बारह, आठ बटा ग्यारह, तीन बटा चार, सात बटा नौ, सही है। आप बड़ा का चीज ऐसे देख सकते हैं, जैसे दो बटा पाँच है तो इससे बड़ा पाँच बटा बारह, इससे बड़ा आठ बटा ग्यारह, इससे बड़ा तीन बटा चार, इससे बड़ा सात बटा नौ, ऐसे दे सकते हैं, बढ़ते क्रम में जा रहा है, आरोही क्रम में बन गया। अब आगे बनाते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन का दूसरा है, सात बटा दस, दो बटा सात, तीन बटा आठ, चार बटा नौ, दस बटा ग्यारह, इसका एलसीएम निकालेंगे। आप एलसीएम नहीं जान रहे तो सीखिए मेरे साथ, क्या है दस बटा दस, सात, आठ, नौ, ग्यारह का एलसीएम निकालेंगे, कितना जाएगा, दो से जाएगा, दो से जाएगा, पाँच में दस, सात नहीं जाएगा, चार दुनिया आठ, और ये नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। फिर देखिए दो से जाएगा, दो से कहाँ जाएगा, दो से ही जाएगा, इधर भी जाएगा, तीन से जाएगा, ये जाएगा, इधर नहीं जाएगा, मतलब अब नहीं जाएगा। अब गुना करेंगे तो क्या गुना करेंगे, पाँच दुनी दस, यहाँ दस आ गया, अब इसको गुना कीजिए, ग्यारह नवा निन्यानवे, बहुत टफ है ना, पाँच दुनी दस, दस सते सत्तर, यहाँ तक सत्तर आ गया, और सत्तर चौका इसे सत्तर चौका अठारह, दो सौ अस्सी आ जाएगा, और दो सौ अस्सी का नौ से गुना करेंगे तो नौ से गुना कीजिए, नौ जीरो जीरो, नौ अट्ठी, नौ अठी बहत्तर के दो हाथ में सात, और नौ दूनी अठारह सात पच्चीस, कितना आएगा अठारह सात पच्चीस, फिर ग्यारह से गुना करेंगे तो यही आएगा पच्चीस बीस, गुना करेंगे ऐसे जीरो दो पाँच दो सात, पाँच दो सात और दो, ठीक है, मैं सत्ताईस हजार सात सौ बीस आया, क्या आया सत्ताईस हजार सात सौ बीस। तो यहाँ देखिए यहाँ लिखेंगे दस सात आठ नौ और ग्यारह का लसा, कितना आया सत्ताईस हजार सात सौ बीस आया, बहुत टफ है,
बढ़िया से बनाएंगे, 7/10 है तो 7/10, तो 7/10 को कितना से, मतलब 7 10 10 जो है 10 को कितना से गुना करेंगे कि आएगा 27,720। देखिए जीरो हटा देंगे, जीरो हट गया तो कितना से आएगा 10 × 27 = 72, 27 = 72 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा। उसी तरह से 7 को कितना से गुना करेंगे ये आपका इतना को 27 = 72 को 7 से गुना करेंगे जो गुणफल आएगा इसको लिखेंगे 7 × 14 के 4 हाथ में 1, 7 × 49 और 1 × 50 के 5 हाथ में 5, 7 × 49 और 5, 54 × 4 हाथ में 5, 7 × 14 = 5 = 19। ठीक है, अब दूसरा देखिए पुनः क्या है 2/7 लिखेंगे, 2/7 तो 2/7 तो 27,720 लाने के लिए 7 से कितना में गुना करेंगे, 7 को कितना से गुना करेंगे तो इसको 7 से भागा दीजिए, है ना, यहाँ भागा देंगे 7 से पता चल जाएगा, 7 से भागा दीजिए, 7 × 1 = 21, 6 × 7 = 56, 7 × 9 = 63, 4 × 2 = 42, 6 × 42 = 42, 0 × 0 39 = 60 क्या होगा 39 = 60। आराम से बनाइए, गलती हो जाएगा तो फिर नहीं आंसर आएगा, तो 7 को गुना किया 39 = 60 से तो इसको भी गुना करेंगे 39 = 60 से, तो गुना कीजिए तो 2 × 0 = 0, 2 को गुना करेंगे 6, 2 × 6 = 12 के 2 हाथ में 1 × 2 = 9, 9 है ना, 4 पढ़ लेंगे 9, 2 × 9 = 18, अभी कितना है 2 × 6 = 12 के 2 हाथ में 1, 2 × 9 = 18, 19 को 9 हाथ में 1, 2 × 6 = 12 = 13, ये आया। अब फिर इसको उतारिए पुनः 3/8, 3/8 है तो 3/8 लीजिए, 27,720 लाने के लिए 8 से हम इतना की संख्या को गुना करेंगे तो देखिए 8 से भागा दीजिए इसको, 8 से भागा दीजिए 27,720, 8 × 3 = 24, 4 आएगा घटाएंगे तो 7 उतारेंगे, 8 × 5 = 40, 7 × 2 = 8, 9 = 72, 0 उतारे यहाँ 0 दे 35 = 90, कितना 35 = 90, 35 = 90 को फिर 3 से गुना करेंगे, गुना कीजिए 3 × 0 = 0, 3 × 9 = 27 के 7 हाथ में 2, 3 × 5 = 15, 2 = 17 के 7 हाथ में 1, 3 × 3 = 9, 1 = 10 इतना आया। फिर अब इसको उतारेंगे 4/9, पुनः 4/9 तो देखिए 27,720 लाने के लिए 9 से हम कितना किस संख्या को गुना करेंगे, 9 से भागा दीजिए, 27,720 में 9 × 3 = 27 कट गया ही, 7 × 2 उतारे 0 देंगे, 9 × 8 = 72 कट गया 0, ये है 0 उतार गया 0 देंगे 30 = 80 कितना जाएगा 30 = 80, 30 = 80 को हम 4 से गुना करेंगे, गुना कीजिए इसको 4 × 0 = 0, 4 × 8 = 32 तो 3232 क्योंकि 0 यहाँ है, 4 × 3 = 12 इतना आया। फिर एक और बच गया 10/11, पुनः 10/11 है ना, इसको देखिए वही क्रिया करेंगे जो पहले से करते आ रहे हैं। अब देखिए 11 को कितना से गुना करेंगे कि 27,720 प्राप्त होगा, तो 11 से कितना से गुना करेंगे, गुना कीजिए इसको, इसके पहले भागा देंगे, 11 से भागा दिए 27,720 को 11 से, 11 × 2 = 22, 5, 7 × 57 = 55, 2 × 3 = 2 11 × 2 = 22, 0 = 0 आ जाएंगे 25 = 20 कितना आया 25 = 20, ऊपर भी गुना करेंगे 10 × 25 = 20 गुना करेंगे तो 25 = 20 और 1 × 0 आ जाएंगे, ये आ गया है ना। उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं गुना सही कर रहा हूँ, फिर भी इसको चेकिंग करने की जरूरत पड़ता है। चलिए कॉन्फिडेंस में लेकर आगे बढ़ते हैं, अब क्या करेंगे इसको आरोही क्रम में लिखते हैं, तो आरोही क्रम में लिखने के लिए हम जगह बनाएंगे, इसको इसको बना लिए, अब इसको आरोही क्रम में सजाएंगे, आरोही क्रम के बाद फिर इसको बताते हैं। तो देखिए पहला सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा देखिए ये है छोटा, ये है ना, ये छोटा है 7,920 / 27,720 ये हो गया। इसके बाद इससे बड़ा कौन है ना, इससे बड़ा देखिए, इससे बड़ा 7,000 ये हो गया, उसके बाद 7,000 10,000 ये हो जाएगा 10,000, इसको लिखेंगे 10,395 / 27,720। इसके बाद इससे बड़ा ये हो गया, इसके बाद 10 हो गया 12 होगा, हाँ ये हो जाएगा 12,320 / 27,720। अब इससे बड़ा आपका 19,000 ये हो जाएगा है ना, ये 19,404 / 27,720 और सबसे बड़ा ये है 25,000
200 बटा 27,720। देख लिए, ये बढ़ते क्रम में कर दिया, आरोही क्रम में। अब इसको मान बैठाएंगे 7,920, किसका मान आया, देखिए 7,920 ये आया, तो 2/7 इसका हो जाएगा। इसके बाद 10, देखिए 10 कौन है, ये है, 3/8 हो जाएगा। इसके बाद 12, देखिए ये है, तो 4/9 हो जाएगा। 19, देखिए 19,404, तो 19,404 कहाँ है, ये है, तो 7/10 हो जाएगा। उसके बाद 25,200 ये है, तो 10/11। इस तरह से क्या हो जाएगा, आरोही क्रम में बना दिए। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, अवरोही क्रम में, घटते क्रम में। आरोही क्रम में नहीं है, यवरोही क्रम में, घटते क्रम में। अवरोही क्रम इसका होता है, पहले बड़ा लिखेंगे उसके उससे छोटा लिखेंगे, तो वही नियम है 8, 15, 19, 5 और 11 का लसा है ना। तो 8, 15, 19, 5, 11 निकालिए, 8, 15, 19, 5, 11 8, 15, 19, 5, 11 ठीक है, 8, 15, 19, 5, 11 एलसीएम निकालेंगे, 5 से जाएगा, 5 या 15 नहीं जाएगा, 19, 5 का 5 अब तो नहीं जाएगा, अब जाएगा नहीं, बहुत फास्ट है। 5×8×3×19×11 गुना कीजिए, 40 आए, 40 के 120 आए, 120 को 19 से गुना करेंगे, 900 और 9 और 9×0=18, 8×1 और 9×1=10 ठीक है, फिर 1 से गुना करेंगे, 0×2=2 और 1 120 आएगा, 0×8 उतरेगा, 2×22=80 कितना है, 22=80 आया। अब इसको 11 से गुना करेंगे, 11 से ही उतरेगा 22=80 0×8 और 2=10 की जरूरत, 1×2=4=5 और 2 कितना है, 25,080 कितना आया, 25,080 एलसीएम आया इसको, 25,080 मतलब 8, 15, 19, 5 और 11 का लसा कितना आया, 25,080 आराम से बनाइए है ना, नहीं तो गुना में गलती हो जाएगा। अब देखिए 7/8 है, 7/8 ये है, अब देखेंगे 7/8 25,080 लाए हैं, तो 8 से हम इसको भागा देंगे, भागा दीजिए 8 से, 8×2=16 है ना, 8×3=24 तीन बढ़ जाएगा, 8×3=24 आएगा, 1×0=8 उतारेंगे, 8×3=24 ठीक है, 4×0=8=25 कितना है, 3135 कितना आया, 3135 आया ठीक है। अब 3135 को ऊपर गुना करेंगे, 3135 देखिए लिखने में गलती हो जाएगा, मिस्टेक होगा। अब देखेंगे 7×25=5 हाथ में 3×7=21 और 3×24=4 हाथ में 2×7=7 और 2×9=7=21 21,945 देखिए क्या है, 13/15 अब 13/15 25,080 लाना है, 15 से भागा देंगे, 15 से भागा दीजिए कितना है, 25,080 तो 15×1=10 15×5=15 10 फिर 8 उतारेंगे, 15×90 15×75 से 105 तीन उतरेगा 0 15×2=1672 कितना आया, 15 को गुना करेंगे 1672 के साथ तो 25,080 आएगा। अब ऊपर भी गुना करेंगे 1672 कितना से गुना करेंगे, 1672 है ना। अब 1672 को गुना कीजिए 13 से, यहाँ गुना करते हैं 1672 को गुना करेंगे 13 के साथ, यहाँ पर देखिए 13 के साथ, तो 3×2=6 3×7=21 के खाते में 2 3×6=18 और 2 20 के जोड़ खाते 2 और 3×3=5 1×2=2 1×7=7 1×6=1 उन्हें सही आएगा 6 आएगा, देखिए तो 2×1=3 हो गया, यहाँ पर 3 तो यहाँ हो जाएगा 3 21,736 आया। आप देखेंगे ये हो जाएगा, अब ये हो देखिए 17/19 तो अब यहाँ देखेंगे 25,080 है, 25,080 तो 19 को कितना से गुना करेंगे, 19 से भागा देंगे 25,080 में, 19×1=19, 6×0=19×2=57, 19×3=57 3×8 उतारेंगे 19×2=38, 0×0 आ जाएगा 1320 कितना आएगा, 1320 1320 को 17 से गुना करेंगे, अब 17 से गुना कीजिए, यहाँ से 17 से गुना करते हैं 7×0=0 7×2=14 4×1=7 21
बैस के दो आपने दो सात सात एकम सात दोनों अब 1320 लिखते हैं है ना। 0 2 3 1 0 4 2 2 4 9 3 12 दो आपने एक 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 दो 22,740 ठीक है। ये आया कितना 17/19 का मान। अब इसका मान निकालेंगे। अब 3/5 है 3/5 ठीक है 3/5 निकालते हैं तो क्या लिखेंगे ठीक है 25,080 को 5 से भागा देंगे 25,080 को 5 से भागा देंगे तो भागा दीजिए 25,000 यहाँ लिखते हैं 25,080 को 5 से भागा दीजिए 5 5 25 नहीं जाएगा 0 यहाँ उतार देंगे 8 5 1 5 3 5 6 30 कितना है 50 16 अगर 5 से गुना करेंगे 50 16 में तो 25,080 आएगा तो 3 से गुना करेंगे 50 16 में 3 16 3 48 3 6 18 में 3 1 3 1 4 3 0 0 15,048 आएगा। अब इसको देखिए 4/11 अब इसको निकालते हैं 25,080 में 11 से हम भागा देंगे 25,080 को 11 से भागा देंगे 11 2 22 3 0 11 2 22 8 22 80 क्या आएगा 22 80 ऊपर गुना करेंगे 22 80 को 4 से कितना गुना करेंगे 4 से गुना कीजिए 4 0 0 4 8 32 के दो हाथ में 3 और 4 3 4 2 8 और 3 11 और 4 2 8 1 9 9,120 कितना आया 9,120। अब इसको मिटाते इधर जगह बनाते हैं इसको अवरोही क्रम में लिखेंगे या अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम इसका होता है घटते क्रम। पहला क्या लिखेंगे बड़ा उसके बाद उससे छोटा फिर उससे छोटा। तो बड़ा ढूंढिए तो क्या है इसमें बड़ा 21 है या 21 है ठीक है 22 है 15 है 9 है तो देखिए 22 यहाँ है 22,440 और यहाँ पर 22 कहीं नहीं है 22,440 तो शुरू में क्या हो जाएगा यहाँ लिख रहे हैं यहाँ से लिख रहे हैं ना 22,440 बटा 25,080 ये हो गया। ये बड़ा है इससे बड़ा है घटते क्रम में लिखना है ना। इससे छोटा क्या हो जाएगा यहाँ देखिए ये हो गया और यहाँ देखेंगे 21,736 है या 21,945 इससे बड़ा ये हुआ तो 21,945 बटा 25,080 फिर ये इसके बाद ये हो जाएगा छोटा ना 21,736 बटा 25,080 फिर इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ देखिए 15,000 है या 9,000 ये हो जाएगा इससे छोटा तो 15,048 है 15,048 बटा 25,080 फिर सबसे छोटा कौन है 9,120 बटा 25,080 ये निकालिए। अब इसका मान बैठाएंगे कि 22,440 कहाँ है देखेंगे यहाँ पे है ये है ये क्या है 17/19 ये हो गया। उसके बाद 21,945 ये 7/8 उसके बाद 21,736 ये है तो 13/15 हो जाएगा 13/15 उसके बाद ये देखिए 15,048 तो 3/4 3/5 हो जाएगा और सबसे छोटा ये है 9,120 तो 4/11 ये हुआ और वही क्रम में घटते क्रम में। अब बनाते हैं इसका दूसरा निकालेंगे है ना 11 13 4 7 13 निकालते हैं 11 13 4 7 13 देखिए आपके सामने हम निकाल रहे हैं आप बढ़िया से सीखिए रिवाइज कीजिएगा समझ में आ जाएगा। लंबा वीडियो भले है लेकिन बनाना भी जरूरी है। 11 है किसी जाएगा 13 है 13 यहाँ से 13 से जाएगा 11 उतरेगा 13 कम 13 4 7 13 कम 13 अब जाएगा किसी से नहीं जाएगा गुना करेंगे 13 × 11 × 4 × 7 यही गुना करते हैं। इसको ऐसे गुना कीजिए 13 को 11 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 13 को 11 गुना करिए इस तरह से आएगा 143 ये गुना हो गया फिर 4 से गुना करेंगे है ना 4 से गुना कीजिए 4 3 12 2 1 4 16 1 17 7 1 है ना और 4 1 4 1 5 16 1 फिर 7 से गुना करेंगे 7 2 14 4 1 7 4 28 गुना कीजिए 7 2 14 4 1 7 7 49 होता है 49 50 5 हाथ में 5 7 5 35 और 5 40 मतलब कितना है 4,004 लिखेंगे यहाँ पर 11 13 4 7 और 13 का ल स कितना आया
4004 आया। ठीक है, इसको लेख चलेंगे 7/11, तो 7/11 लेख चलिए, एलसीएम कितना आया है 4004। अब 11 को कितना से गुना करेंगे, 4004 आएगा, तो आराम से गुना कीजिए 11, यहाँ है ना, तो 7 × 28 आया 13। चलिए इसको भागा दीजिए, 11 भागा दीजिए अपने आ जाएगा, 11 × 33, 7 × 3 = 7 आएगा 0, 11 × 66 = 4, 4 × 11 = 44, 364 कितना आया 364 आया, तो ऊपर 364 से गुना करेंगे, गुना कीजिए 7 × 28 के 8 हाथ में 2, 7 × 6 = 42 और 2 × 44 = 4 हाथ में 4, 7 × 21 = 21 और 4 = 25, 2548 आया, कितना आया 2548। अब आगे देखिए यहाँ पे आपका 8/13 को 4004 में 13 से हम क्या करेंगे भागा देंगे, तब आएगा भागफल, तो इसमें देखिए 4004 को हम 13 से भागा दीजिए, 13 × 39 = 0, 13 × 5 = 65, 13 × 74 = 78, मतलब 308, 308 ऊपर गुना करेंगे तो 8 × 64 और 8 × 3 = 24 ये आया। अब देखिए 1/4 को 4 से हम भागा देंगे, 4004 को 4 से भागा दीजिए, 4 × 1 = 0, 4 × 2 = 8, 2 × 0 = 4 = 20, 4 × 4 = 12, 51 क्या होगा 1251, मतलब 4 को गुना करेंगे 1251 के साथ तो 4004 प्राप्त होगा, तो ऊपर गुना करेंगे 1 × 1251 तो 1251 आएगा, थोड़ा आसान है पहले वाले से, ये हो गया 5/7, तो 5/7 4004, मैंने 7 से हम 5 4004 को भागा देंगे, तो 4004 को भागा दिए 7 से, 7 × 6 = 28, 7 × 5 = 35, 5 × 0 = 49, 1 × 7 = 14, 572 कितना आया, यहाँ लिखेंगे 572 मत 572 को 7 से गुना करेंगे तो 4004 प्राप्त होगा, तो 5 से गुना कीजिए 572 में, गुना कीजिए 5 × 10, 5 × 7 = 35, 8 × 1 = 36, 6 × 3 = 25, 3 × 28, 2860 आया। अब आगे देखिए 11/13 है, 11/13 4004 को हम भागा देंगे 13 के साथ, 13 से भागा देंगे 4004, 4 × 3 = 39, 1 × 0 = 4, ये बार किए थे ना, यहाँ किए तो 308 आया, क्या आया 308, चलिए 308 ना 13 गुना करेंगे 308 के साथ तो प्राप्त होगा 4004, तो वही गुना करेंगे 308 को हम 11 से गुना करेंगे, 11 × 308 तो 308 गुना कीजिए 11 से, 308 ऐसे आएगा 8 × 0 = 8, 3 × 3 = 3388, ये आया। अब इसको अवरोही क्रम में लिखते हैं, जितन मिटाते हैं, अब इसको अवरोही क्रम में सजाते हैं या उपरोही क्रम में या रोही क्रम में सजाइए, सबसे बड़ा पहले लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटा, सबसे बड़ा क्या है 2860, 3388, यही बड़ा नजर आ रहा है 3388/4004, ये बड़ा है, किससे बड़ा है 3388 हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर ये 2860 × 4004, उसके बाद 24 ये होगा 2548/4004, इसके बाद ये हो गया, उसके बाद कौन बचा, ये हुआ 2464/4004, उसके बाद 1001/4004, ये निकाल लिए और वही क्रम है। अभी इसको देखेंगे 3388 कौन है, ये है किसका मान आया 11/13, अब देखिए 2860 5/7, तो 5/7 आया, अब देखेंगे 2548, तो 2548 ये है, ये देखिए आप 7/11, अब देखिए 2464 ये है तो 8/13, अब देखिए यहाँ पर 1001 ये है 1/4, तो ये हुआ आंसर, ये क्या हुआ आंसर। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन, मेरे साथ बने रहें डटे रहें, देखिए चौथा क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, एकदम आसान है, जितना भारी पीछे बनाए हैं
उसे कई गुना ये आसान है। देखेंगे यहाँ पे चार बटा सात का पांच तुल्य भिन्न निकालें, चार बटा सात ये है इसका पांच, इसको क्या करना है, यहाँ देखिए चार को हम चार को दो से गुना करेंगे तो चार गुने चार दो से गुना करेंगे चार दुनी कितना होगा आठ होगा। चलिए डायट करते हैं, इसको दो से गुना करेंगे चार दुनी आठ, इसको भी दो से गुना करेंगे तो सात दुनी चौदह हो जाएगा। फिर है फिर इसको तीन से गुना करेंगे चार तिया बारह, फिर इसको तीन से गुना करेंगे सत्या इक्कीस, फिर देखिए इसको चार से चार चौका सोलह और चार से अट्ठाईस आ जाएगा, पांच से पांच चौका बीस और पांच सते पैंतीस, छह से छह चौका चौबीस बटा बयालीस, एक दो तीन चार पांच, यही हुआ तुल्य भिन्न। मतलब है इसको दो से किए, तीन से किए, चार से किए, पांच से किए, ठीक है, इसको भी दो तीन चार पांच से किए, मतलब इसको जब काटेंगे तो चार बटा सात ही आगे, इसको काटेंगे दो से चार दो आठ सात दिन चौदह, तीन से कटेगा चार से बारह सत्या इक्कीस, मतलब कुल मिलाकर इसको छोटा करेंगे तो यही आएगा, इसीलिए इसका ये क्या हुआ पांच तुल्य भिन्न हुआ। ठीक है, आप देखिए जोड़िए, मतलब ये जोड़ है, भिन्न का जोड़ है, तीन और तीन बटा पांच प्लस दो बटा सात, इसको एलसीएम निकालते हैं तो पांच और सात का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा पैंतीस आएगा, कितना आएगा पैंतीस, पांच कितना बचा रहा है सात बचा रहा है, सात से ऊपर गुना करेंगे सत्य इक्कीस आएगा, सात कितना बचा रहा है पांच बार, मैं सात को भागा सात से भागा देंगे पैंतीस को तो पांच आएगा, सात बचा पैंतीस, पांच से ऊपर गुना करेंगे पांच दूनी दस आएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा इक्कीस और दस इकतीस आएगा, कितना आएगा इकतीस, इकतीस बटा पैंतीस, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दो बटा नौ है और यहाँ पूर्णांक में है तो इसको तोड़ देते हैं, पहले इस तरह से कर लेते हैं तो इसको यही उतार देंगे, इसको क्या करते हैं गुना करते हैं फिर इसको जोड़ देते हैं, तो चार दुनी आठ और एक जोड़ेंगे तो आठ एक नौ, नौ बटा दो, इसका मतलब हुआ चार पुनः एक बटा दो, मतलब साढ़े चार है, इसको भी नौ को भागा देंगे दो से तो साढ़े चार आएगा, अब नौ और दो को क्या करेंगे लघुतम निकालेंगे तो अठारह आएगा, कितना आएगा अठारह, तो नौ कितना बचा रहा है दो बार, नौ का टेबल पड़ेंगे कितना बार अठारह आएगा दो बार, तो दो से ऊपर गुना करेंगे तो दो दूनी चार प्लस दो का पहाड़ा पड़ेंगे कितना बार अठारह आएगा नौ बार, तो नौ से ऊपर गुना करेंगे नौ नौ इक्यासी, ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा इक्यासी चार पचासी बटा अठारह, ये आंसर हुआ। ठीक है, अब तीसरा देखिए, तीसरा यहाँ है एक पूर्णांक पांच बटा सात, पहले पूर्णांक को हटाइए, सात एकम सात और पांच बारह, बारह बटा सात हो जाएगा, सात एकम सात, इसको गुना करते हैं और ऊपर जोड़ देते हैं गुणनफल में, तो सात एकम सात और पांच बारह बटा सात, इसको तोड़ेंगे दो दो चार एक पांच, पांच बटा दो, अब सात और दो का लघुतम निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ लघुतम निकालते हैं तो कितना आएगा चौदह आएगा, सात दूनी चौदह, दो बार जा रहा है तो दो से ऊपर गुना करेंगे चौबीस प्लस दो सत्य सात, ऊपर करेंगे सात से गुना पैंतीस आएगा, है ना, दो सत्य सात पद से पैंतीस, इसको जोड़ेंगे तो जोड़िए पांच चार नौ और दो और तीन पांच उनसठ बटा चौदह, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब देखेंगे चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या है समझिए, यहाँ पर इसको गुणनफल करते हैं और इसको जोड़ते हैं, आठ दूनी सोलह एक सत्रह, तो सत्रह बटा आठ प्लस सत्य इक्कीस एक बाईस, तो बाईस बटा सात प्लस चार ते बारह एक तेरह, तेरह बटा तीन, ये हुआ। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो सब एलसीएम गुना हो जाएगा क्योंकि किसी से नहीं जाएगा, एलसीएम निकालिए गुना करेंगे आठ सत्य छप्पन, है ना, यानी तो एक सत्य इक्कीस, इक्कीस अठे, इक्कीस अठे आठ का आठ, आठ दूनी सोलह, इक्कीस अठे इतना था इक्कीस अठे आठ का आठ सोलह, एक सौ अड़सठ आया, आठ कितना बढ़ जा रहा है इक्कीस बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा इक्कीस पर, आठ को इक्कीस से गुना करेंगे तो एक सौ अड़सठ आएगा, इक्कीस से ऊपर गुना करेंगे सत्रह गुने इक्कीस, क्या होगा सत्रह गुने इक्कीस, सत्रह एकम सत्रह, सत्रह दूनी चौंतीस, सात चार एक पाँच तीन, तीन सौ सत्तावन आया, फिर सात कितना बढ़ जाएगा इसको इसको गुना करेंगे कितना आठ या चौबीस, चौबीस चौबीस गुना सात करेंगे तो एक सौ अड़सठ आएगा, तो चौबीस आए, चौबीस को बाईस से गुना करेंगे तो चौबीस गुने बाईस गुना कीजिए तो बाईस चौबीस अड़तालीस, चौबीस अड़तालीस आठ चार बारह और चार एक पाँच, पाँच सौ अट्ठाईस, पाँच सौ अट्ठाईस प्लस अब देखिए तीन, तीन कितना बचा रहा है तो इसको गुना करेंगे आठ सत्तर छप्पन, छप्पन गुने तीन करेंगे तो एक सौ अड़सठ आएगा, छप्पन आएगा तो छप्पन गुने तेरह, तो छप्पन गुने तेरह कीजिए तीन छः अठारह में एक, तीन पच्चे पंद्रह एक सोलह, छप्पन एकम छप्पन आठ, छः से बाद एक छः एक सात, सात सौ अट्ठाईस, सात सौ अट्ठाईस ये हुआ। अब इसको क्या करेंगे हम इसको जोड़ेंगे, जोड़िए आठ आठ सोलह आठ या चौबीस में एक कम है तो तेईस होगा, तेईस के तीन हाथ में दो 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 हाथ में दो था चार हुआ, चार दो छः, छः पाँच ग्यारह एक हाथ में एक, सात एक आठ, आठ पाँच तेरह, तेरह तीन सोलह बटा एक सौ अड़सठ, इतना आंसर आया। ठीक, अब इसको तोड़ेंगे, तोड़िए इसको नहीं बनाते हैं, है ना, चार बटा तीन लिखेंगे, इसको गुना करते हैं तीन छः एक सात, सात बटा तीन
प्लस चार दुनिया आठ है, नौ, नौ बटा चार है, चार। अब यहाँ देखेंगे तीन तीन और चार का लघुतम निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए लघुतम क्या है, तीन एकम तीन और चार बारह आएगा, बारह कैसे आएगा, तीन तीन और चार, तीन से जाएगा तीन एकम तीन, तीन एकम तीन और फिर इसे गुना होगा, चार तीन बारह आया, कितना आया बारह आया, तीन चौका, तीन का पहाड़ा पढ़ेंगे चार बार तो बारह आएगा, चार से ऊपर गुना करेंगे चार चौदह सोलह, तीन चौका चार से ऊपर गुना करेंगे सात चौका अट्ठाईस, चार तिया नौ तिया सत्ताईस। अब देखेंगे इसको जोड़िए, सात आठ सात पंद्रह, पंद्रह छः इक्कीस के एक हाथ में, दो 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 चार, चार दो छः और एक सात, इकहत्तर बटा बारह। छठा क्वेश्चन और सातवां क्वेश्चन आइए बनाते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन है घटाइए, तो घटाइए तेरह और सात को एलसीएम निकालते हैं, जैसे पहले बनाया फिर का जोड़ उसी तरह बनेगा, तो तेरह सत्तर इक्यानवे ये नहीं जाएगा, तो क्या होगा इक्यानवे आएगा और तेरह सात पर जाएगा, सात से ऊपर गुना करेंगे तो सत्रह तिरसठ माइनस सात तेरह बार जा रहा है, तेरह सत्तर इक्यानवे तो तेरह बार जाएगा, तेरह दूनी छब्बीस, इसको घटाएंगे तो घटाइए तीन में छः नहीं कटेंगे इसे बचा लेंगे, तेरह तेरह में छः कटाएंगे तो सात, यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा पाँच, पाँच में दो कटाएंगे तीन, सैंतीस बटा इक्यानवे आ जाएगा, इसको देखिए तो आठ में एक कटाएंगे तो सात आएगा, क्या आएगा सात, सात बटा दो आंसर, इसका लगभग आया दो आया, एक दो है चार दो आठ, दो एक कम दो एक बार, एक पर से गुना करेंगे एक आएगा ये आंसर, इसको गुना थोड़ी नौ चार चौका सोलह, इसको गुना करते हैं ऊपर जोड़ते हैं तो चार चौका सोलह एक सत्रह, सत्रह बटा चार, इसको एलसीएम निकालेंगे तो चार ही आएगा, एक चार चार बार जा रहा है, चार नवा छत्तीस माइनस चार एकम चार एक बार जा रहा है, सत्रह एकम सत्रह, छत्तीस में सत्रह घटाइए इसे सोलह, सोलह में सात घटाएंगे तो नौ बचा है कितना दो, दो में घटाएंगे तो एक, उन्नीस बटा चार आंसर हो गया। अब देखिए इसको तोड़ेंगे पूर्णांक, चार के बारह यहाँ गुना करते हैं और ऊपर क्या करते हैं जोड़ते हैं, चार के बारह एक तेरह, तो तेरह बटा चार माइनस दो दूनी चार एक पाँच, पाँच बटा दो। अब देखेंगे इसको चार और दो का लघुतम निकालेंगे तो चार आएगा, तो चार एकम चार तो तेरह कम तेरह माइनस दो एकम दो, दो पच्चे दस, घटाइए इसको तो तेरह में दस घटाएंगे कितना आएगा तीन आएगा, तीन बटा चार ये आंसर हो गया। ठीक है अब देखिए हल कीजिए, ये हल करना है इसको सातवां क्वेश्चन, तो इसी तरह से इसका भी लघुतम निकालेंगे तीन पाँच चार पाँच तो कितना आएगा पंद्रह आएगा, है ना पंद्रह आएगा, लघुतम कितना आएगा पंद्रह, कैसे जानेंगे पंद्रह आएगा तो लघुतम निकालते हैं तीन पाँच पाँच, यहाँ देखिए तीन पाँच और पाँच का लघुतम निकालेंगे, यहाँ पाँच है यहाँ पाँच है, पाँच पर जाएगा तीन नहीं जाएगा तो उतरेगा, पाँच का पाँच, पाँच का पाँच किया पंद्रह, कितना आएगा पंद्रह, तीन का पहाड़ा कितना पड़ेंगे पंद्रह आएगा, तीन का पहाड़ा पड़ेंगे पाँच बार, तो जो पाँच आ रहा है ऊपर गुना हो जाएगा, इसमें गुना होगा तो पाँच दूनी दस प्लस तीन पच्चे पाँच, ये हो गया पाँच दून पाँच तिया पंद्रह, तीन बार जा रहा है तो तीन से ऊपर गुना होगा तो तीन का गुना करेंगे के साथ तो तीन आएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस का चिन्ह देंगे, पाँच तिया पंद्रह, तीन बार जा रहा तीन बार तो तीन से ऊपर गुना करेंगे तीन दूनी छः, अब इसको क्या करेंगे जोड़ और घटा दोनों है तो इसको करेंगे इसके पीछे जोड़ है इसके पीछे जोड़ है ये जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा तेरह, तेरह में से छः घटाएंगे तो कितना आएगा सात होगा सात, अब ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पर देखिए ये प्लस माइनस है ये प्लस है इसको करेंगे घटाएंगे तो माइनस तीन आएगा और फिर इसमें घटाएंगे तो सात आएगा, मतलब इसको करेंगे दस और तीन तेरह माइनस छः बटा पंद्रह, इसको करेंगे तेरह में से छः है ना तेरह में से छः घटाएंगे तो सात, सात बटा पंद्रह ये आंसर हुआ। इसको देखिए सात चार और नौ का लघुतम निकालेंगे, सात चार और नौ का लघुतम निकालिए नहीं जा रहा है किसी के साथ नहीं जाएगा गुना करेंगे, सात चौका अट्ठाईस, अट्ठाईस को नौ से गुना करेंगे तो नौ सत्ते तिरसठ, तिरसठ को चार से गुना करेंगे चार तिया बारह, चार छक्का चौबीस पच्चीस, दो सौ बावन कितना आएगा लघुतम दो सौ बावन आया है ना, और सात कितना हो जाएगा देखिए देखिए सात ये इसमें कितना बार जाएगा तो इसको गुना करेंगे तो उतनी बार जाएगा, नौ चौका छत्तीस बार जा रहा है छत्तीस बार, इसमें हम सात से भागा देंगे तो छत्तीस आएगा, कैसे ये सात यहाँ है ना इसको छोड़ दीजिए इसको गुना कर दीजिए तो नौ छः नौ चौके छत्तीस, छत्तीस बार जा रहा है तो छत्तीस को ऊपर से गुना करेंगे छत्तीस दूनी बहत्तर, ये छत्तीस को गुना करेंगे दो से तो बहत्तर आएगा, माइनस से माइनस दे दिए चार कितना बार जाएगा चार इसको छोड़ दीजिए तो नौ सत्ते तिरसठ बार जा रहा है, कितना हो जाएगा तिरसठ बार है, देखिए तिरसठ बार गया, तिरसठ को ऊपर तीन से गुना करेंगे तिरसठ को तीन से गुना कीजिए तीन तीन नौ और चौथी अठारह तो कितना आया एक सौ नवासी आया, कितना आया एक सौ नवासी प्लस नौ कितना बजा रहा है तो नौ देखिए नौ छोड़ देते हैं तो सात सौ का अट्ठाईस बजा रहा है, अट्ठाईस सत्य कितना होता है अट्ठाईस सत्य गुना कीजिए सती अठी छप्पन का छवास में पाँच और सात दूनी चौदह पाँच उन्नीस अट्ठाईस सत्य एक सौ छियानवे एक सौ छियानवे। अब देखेंगे ये इसके पीछे प्लस है इसके पीछे प्लस है तो इसको और इसको जोड़ेंगे और ये घटा देंगे है ना, मतलब ये बहत्तर को और एक सौ छियानवे को जोड़ेंगे एक सौ छियानवे और बहत्तर को जोड़ेंगे छः दो आठ नौ सात सोलह का छात में एक
और एक एक दो, 268 माइनस 189, 189 आ गए बटा 252। अब इसको 189 घटा देंगे तो इसे पहचा लेंगे 18, 18 नौ घटाएंगे 9 बचे यहाँ 5, 15, 15 में 8 घटाएंगे 7, 79 आएगा, 79 बटा 252 यही आंसर आया। ठीक है, इस तरह से हम क्या देखें, छठा और सातवां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जो शेष क्वेश्चन उसको भी कंप्लीट कर ही देते हैं, थोड़ा सा और रुक जाइए, दो क्वेश्चन आ रहे हैं, तुरंत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आठवां देखिए, आठवां क्वेश्चन बनाते हैं, आठवां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए कहते हैं एक आयत कागज की लंबाई है ना, देखिए आयत, आयत कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, समझिए ये आयत है मतलब ये लंबाई हुआ, ये लंबाई आपस में बराबर होती है, चौड़ाई चौड़ाई आपस में बराबर होती है, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, तो आयत की लंबाई कितना है, 12 पूर्णांक 1 बटा 4, 12 पूर्णांक 1 बटा 4 ये भी होगा, 12 पूर्णांक 1 बटा 4, तो दो आयत की लंबाई हुआ, लंबाई यहां भी लंबाई, दो लंबाई हुआ, और चौड़ाई कितना, 6 पूर्णांक 1 बटा 2, 6 पूर्णांक 1 बटा 2 इधर भी हो जाएगा, 6 पूर्णांक 1 बटा 2 समझ रहे हैं, तो चौड़ाई कितना हुआ, 6 पूर्णांक 1 बटा 2, तो दो चौड़ाई हुआ और दो लंबाई सेंटीमीटर में है, तो वो कागज की परिमाप ज्ञात कीजिए, है ना, तो लिखेंगे आयताकार, क्या लिखे हुए हैं, आयता कार कागज की लंबाई, लंबाई कितना है, 12 पूर्णांक 1 बटा 4, कितना है, 12 पूर्णांक 1 बटा 4, और आयताकार कागज की चौड़ाई, चौड़ाई कितना है, 6 पूर्णांक 1 बटा 2, तो हमको निकालना परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, परिमाप आप दो तरह से लिख सकते हैं, सभी भुजाओं का जोड़, ये सभी भुजाओं का जोड़, आने तो दो गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, दो ठो लंबाई है और दो ठो चौड़ाई है, तो परिमाप ऐसे निकाल सकते हैं, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, ए से क्या हो गया लंबाई, बी से क्या हो गया चौड़ाई, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो 2 लंबाई कितना है, देखेंगे लंबाई कितना है, देख लीजिए यहाँ पे 12 पूर्णांक 1 बटा 4 प्लस चौड़ाई कितना है, 6 पूर्णांक 1 बटा 2, ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको पूर्णांक है तोड़ेंगे, 1248 से 49 बटा 4 प्लस 6 × 12 13 बटा 2, ठीक है, अब इसको बनाएंगे आगे, इसको एलसीएम निकालेंगे, तो 4 और 2 का लघुत्तम निकालेंगे, तब तो पूर्णांक ये 2 × 2 × इसको जोड़ेंगे, तो 9 × 6 = 15 के 5 × 7 = 1, 4 × 2 = 6 = 7, 7 बटा 4 है ना, ठीक है, अब इसको काटेंगे, इसको 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 कट गया, तो 75/2 आया, यहाँ क्या लिखेंगे, 75/2, 75/2 भी लिख सकते हैं, नहीं तो 2 से हम भागा देंगे, 2 से भागा देंगे 75 में, तो 2 × 3 = 6 × 2 = 14 है ना, तो ये आ गया, क्या आएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको 37 पूर्णांक 1/2, 37 पूर्णांक 1/2, ये आंसर हुआ, 75 का आधा करेंगे 37.5 आएगा, ये हुआ आंसर, ठीक। अब बनाते हैं नौमा क्वेश्चन, क्वेश्चन में नौमा देखिए, एक गणित की पुस्तक का मूल्य 38 पूर्णांक 1/4 रुपया है, और वही विज्ञान पुस्तक का मूल्य 38 पूर्णांक 3/4 है, ठीक है, तो गणित हम नौमा का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कहता है कि गणित, गणित पुस्तक का मूल्य कितना है, 38 पूर्णांक 1/4 है, ठीक है, उसी तरह से विज्ञान, विज्ञान पुस्तक का मूल्य कितना है, 38 पूर्णांक 3/4, 38 पूर्णांक 3/4, इसको देखेंगे, इसको तोड़ते हैं, तो इसको गुना करेंगे, पूर्णांक हटाएंगे तो 4, इसको गुना करेंगे ना, 38 को 4 से गुना कीजिए, चलिए ठीक, 32 को 2 में 3, 4 × 12 = 3, 15, 152 आया, 152/4, इसको गुना करेंगे 38 को, अब एक जोड़ते भी है, एक जोड़ेंगे तो 153 हो जाएगा, इसको 52 आया, 3 जोड़ेंगे तो 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 52 × 3 = 55 हो जाएगा, तो देखेंगे नीचे हर दोनों का बराबर है, तो 155/4, 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी, तो 153 हुआ, 153, तो अंदाज लगाया किसका अधिक है, तो विज्ञान का अधिक, 155 रुपया और एक 153 रुपया, 4 छोड़ दीजिए क्योंकि हर बराबर है, तो क्वेश्चन है कि ज्ञात कीजिए किस पुस्तक का मूल्य अधिक है, तो क्या गणित, गणित पुस्तक का मूल्य क्या होगा, अधिक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया, पहला का जवाब हो गया, गणित का पुस्तक मूल्य अधिक है, तो कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, देखिए यहाँ 155 है 155 है 153, तो 2 अधिक है, तो कितना अधिक है, तो अधिक कितना है, सो निकालेंगे, तो इसको निकाले 155
बटा चार माइनस इसको हटा देंगे 153 बटा चार, लघुतम निकालेंगे तो क्या आएगा, चार आएगा लघुतम, 155 माइनस 153 घटाएंगे तो कितना आएगा, दो, दो बटा चार आया। अब इसको काटेंगे तो एक दो 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 चार तो हो जाएगा एक बटा दो, तो कितना देखिए एक बटा दो, यही आंसर हो गया। इस तरह से विद्यार्थियों मेरे दर्शकों आप देखे 2.1 क्वेश्चन नंबर दो से लेकर एकदम लास्ट तक नौमा तक बहुत लंबा गया है, पूरा तो कंप्लीट हो गया। आप इसको रिवाइज कीजिए, बनाइए, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच से शेयर कीजिए।